नमस्कार, मैं उपेश शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने महाविकास अघाड़ी सरकार पर छाए संकट पर कहा कि हम उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। आज शाम 6:30 बजे शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और मैं आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए उनसे मिलने जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरी एनसीपी शिवसेना के साथ खड़ी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि मौजूदा संकट शिवसेना का अंदरूनी मामला है, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार के पास बहुमत है। उन्होंने कहा कि सरकार को हर फैसला लेने का अधिकार है। एकनाथ शिंदे के आरोप पर अजीत पवार ने कहा है कि जिस मंत्री के मातहत उसका मंत्रालय आता है, उसे अपने संबंधित विभाग के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होता है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने एनसीपी पर यह आरोप लगाया था कि शिवसेना विधायकों को फंड मुहैया नहीं करवाया जाता था। महाराष्ट्र की सरकार पर छाए संकट के विषय में बीजेपी नेता उदय नाराज ने भोसले ने कहा कि आगामी दिनों में नगर पालिका और जिला परिषद के चुनाव होने हैं। यह गठबंधन जायज नहीं था और यह टिकने वाला भी नहीं था। यह गठबंधन सिर्फ सत्ता और स्वार्थ के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे एक न एक दिन तक टूटना ही था। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना प्रतिद्वंदी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, लिहाजा अब शिवसेना के लिए फैसले की घड़ी आ गई है। उदयन राजे ने शिवसेना पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर वे महाविकास अघाड़ी के साथ रहते हैं तो अगले 2 साल उनके राजनीतिक जीवन के अंतिम 2 वर्ष साबित होंगे। उन्होंने कहा कि अगर विधायकों का ध्यान रखा जाता तो यह बगावत नहीं होती। उदयन राजे ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की विरासत है। महाराष्ट्र धमकियों और आक्रमणताओं के बर्दाश्त नहीं करेगा। बेतुके बयान और धमकी भरी भाषा बोलने वालों से महाराष्ट्र नहीं डरेगा। महाराष्ट्र के नागरिक धमकी देने वालों को उनकी जगह दिखा देंगे। मुझे किसी का नाम लेकर अपनी जुबान का स्वाद नहीं निकालना। मेरा काम है कि जो लोग बीमार हैं वे जल्दी ठीक हो जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।